और सारे तमाम विधायकों से एक तरीके से रायशुमारी करके मुख्यमंत्री खुद को अधिकृत कराएंगे कि आगे का कोई भी डिसीजन होगा मुख्यमंत्री बिना किसी से चर्चा किए कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। उसके लिए आज सब विधायक मिलकर उनको ऑथराइज कर समन आया है और ईडी बता रहे हैं कि आखिरी समन है हेमंत सोरेन के लिए, तो क्या लगता है कि हेमंत सोरेन जी जो है इस्तीफा देंगे? नहीं नहीं, मुख्यमंत्री क्यों इस्तीफा देंगे, वो अभी ईडी की कार्रवाई है। मुख्यमंत्री ने लिखकर भेज दिया है उनको कि आप सिर्फ अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं, हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया ट्रायल कराने की कोशिश। झारखंड में राजनीतिक सियासत तब गर्म हो गई जब गांडे के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने की क्या वजह है ये तो अभी तक पता नहीं, चूँकि उनका एक निजी मसला है, लेकिन उन्होंने बताया जिस तरह से बयान डॉक्टर सरफराज अहमद ने दिए कि ये जो है हम पार्टी हित के लिए किए, तब से झारखंड में सियासत और गर्म हो गई। और गर्म होने के बाद तुरंत जो है मुख्यमंत्री ने जितने भी गठबंधन के विधायक दल हैं उनकी बैठक अपने आवास पे आज बुलाई, आज ही के डेट में। लेकिन आज 4:30 बजे से बैठक शुरू होना था, तभी आज अहले सुबह 6 बजे जो है ईडी दबिश देती है मुख्यमंत्री के जो प्रेस सलाहकार हैं, जो निजी सलाहकार माने जाते हैं अभिषेक प्रसाद पिंटू के, और वो दबिश और वो कार्यवाही अभी ईडी का चल ही रहा है। कुछ पता नहीं चला है, क्योंकि जिस तरह से अभी ईडी वहाँ कार्यवाही 6 बजे सुबह से कर रही है, एक जानकारी वहाँ से सामने निकल के आई थी कि कोई जो है एक मैकेनिकल अंदर गए और जो है हथौड़े से कुछ जो है उसका अलमीरा वगैरह तोड़े, तो उसमें से कुछ ज़्यादा कुछ निकला नहीं, जिस तरह से खबरें निकल के आई कि कपड़ा वगैरह निकला। हालांकि इस मुद्दे पे हम आएंगे, लेकिन हम इस वक्त जो है देख सकते हैं हमारे पीछे जो तस्वीर है ये सीएम हाउस की तस्वीर है, ये सीएम आवास की तस्वीर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास की तस्वीर है। और ये तस्वीर को देखिए कि तस्वीर चारों तरफ जो है सो यहाँ जितने पत्रकार हैं, पत्रकारों की एक भीड़ है, एक जमात है, क्योंकि अभी जो है जितने भी मंत्री विधायक हैं सीएम आवास के अंदर अभी जो है सो एंट्री किए हैं। और क्या कुछ होता है, बैठक अभी शुरू हुई है, क्या कुछ सामने निकल के आएगी कि जिस तरह से सियासत गर्म हुई है और जिस तरह से राजनीति का सियासत में एक बड़ा भूचाल आया है, जो बातें निकल के सामने आ रही है कि क्या ऐसा वजह आ गई कि सरफराज अहमद को इस्तीफा देना पड़ा। और तब से जो है सो खबरों में कभी हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के बारे नाम सामने आ रहा है मुख्यमंत्री के रूप में, कभी जो है बड़का गांव के विधायक के जो पिताश्री हैं वो कह रहे हैं कि अंबा प्रसाद क्यों नहीं, अंबा क्यों नहीं बन सकती है मुख्यमंत्री, तो बहुत सारी बातें सामने निकल के आ रही है। क्या कुछ होगा इस बैठक में ये देखना दिलचस्प होगा, जानना दिलचस्प होगा। लेकिन इस वक्त जो आप देख सकते हैं कि सारे विधायक जितने मंत्री हैं वो अंदर जा चुके हैं, आवास के अंदर बैठक अभी शुरू हो चुकी है और बैठकें अभी चलेगी। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 8:30 बजे तक बैठकें चलेगी, तब तक क्या कुछ खबरें सबकी निगाहें, पूरे प्रदेश की निगाहें इस वक्त जो है मुख्यमंत्री के कुर्सी पे अटकी हुई है कि क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने वाली है। ईडी ने जिस तरह से 7वें समन भेजा और 7वें समन के बाद बोला कि ये अंतिम समन है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता है, तो उसके बाद मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे या ईडी कोर्ट जाएंगे, बहुत सी सवाल है। लेकिन अहले सुबह की जो खबर है चौंकाने वाली, जो पूरे प्रदेश झारखंड प्रदेश समेत राजस्थान और कोलकाता में लगभग 11 ठिकानों पे ईडी की जो दबिश चली, जिसमें से सबसे जो अहम माने जाने वाला जो है वो यही है कि मुख्यमंत्री के जो प्रेस सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद पिंटू जी के यहाँ, क्योंकि बहुत कुछ वहाँ से सामने निकलने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत ही निजी के साथ निष्ठा के साथ, और आज की जो बैठक हो रही है विधायक दल की उसमें अभिषेक कुमार प्रसाद पिंटू का एक अहम रोल था, एक अहम भूमिका थी। लेकिन अहले सुबह उनको जो है ईडी उसके आवास पे जो दबिश दी है, जो कार्यवाही की है, इससे भी जो है सो एक चौंकाने वाली बात है। लेकिन एक चीज़ और सामने बात जो निकल के आई थी कल के डेट में कि मुख्यमंत्री साहब जो है सो कल के डेट में राज्यपाल से मिलने वाले थे, तभी राज्यपाल जो है कल वो रवाना हो गए अपने आवास और वो बोले कि हम 7-8 तारीख तक आएंगे, तो इससे भी एक उधर भी हो गए और इधर जो है ईडी इधर कार्रवाई कर दिए। तो अब क्या कुछ होगा, क्या कुछ बातें सामने निकल के आएगी ईडी के द्वारा, जो उनके आवास पे पिंटू जी के आवास पे जो दबिश दी गई है, जो कार्रवाई हो रही है, वहाँ क्या बातें सामने निकल के आएगी ये देखना दिलचस्प होगा। और क्या जिस तरह से खबरों में निकल के आ रहा था बातें कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन क्या कुछ होगा
अब ये देखना दिलचस्प होगा। तो इस वक्त तस्वीरों में जैसा मैंने बताया कि पत्रकार जो है पूरी तरह से यहाँ आए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ द फॉलो अप के सीनियर पत्रकार पांडे जी हैं। पांडे जी से हम जानने का प्रयास करते हैं, पांडे जी क्या कुछ होने का संभावना है यहाँ। जिस तरह से एक तरफ से सुबह अहले सुबह जो है ईडी की दबिश चली है पिंटू जी के आवास पे, और आज आवास पे मुख्यमंत्री जी पूरे विधायक दल के बैठक बुलाए हैं, क्या कुछ होने की संभावना है? देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री जो राजनीतिक हालात है उस पर चर्चा करेंगे तमाम विधायकों से, और उनको मतलब आश्वस्त करेंगे कि आपको बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं यहाँ पर निर्णय लेने के लिए। और सारे तमाम विधायकों से एक तरीके से रायशुमारी करके मुख्यमंत्री खुद को अधिकृत कराएंगे कि आगे का कोई भी डिसीजन होगा मुख्यमंत्री बिना किसी से चर्चा किए कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। उसके लिए आज सब विधायक मिलके उनको ऑथराइज कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है विधायकों को कि अगले 10 दिनों तक, अगले 20 दिनों तक आप राजधानी या उसके आसपास के ही जगहों पर रहिए, ताकि कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो आपसे शीघ्रातिशीघ्र संपर्क किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ और, जो सुबह अहले सुबह जो पिंटू जी के आवास पे ईडी का दबिश जो पड़ी है उससे क्या बातें निकल के आने की उम्मीद है? अब ईडी की छापेमारी जो है वो तो लगातार चल ही रही है अलग अलग मुद्दे को लेकर, मंत्री जी के अहम हिस्सा थे। हाँ, लेकिन इससे पहले भी हुआ है छापेमारी, तो छापेमारी में क्या कुछ निकल कर आता है, डॉक्यूमेंट ईडी को क्या सूचना थी, किस क्या उनके पास इन्फॉर्मेशन था जिसकी वजह से ये छापेमारी की गई है, ये तमाम चीज़ें हैं, और उसके बाद ही ये पता चल पाएगा जब ईडी आधिकारिक तौर पे ये कहेगी या हमारे सूत्र कहेंगे कि भाई ईडी के पास ये मिला और ये इस संबंधित छापेमारी की गई थी, क्या ये भूमि घोटाले से संबंधित छापेमारी थी या कुछ और था, ये फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि पिंटू के अलावा भी उनके मुख्यमंत्री के जो मित्र हैं उनके ऑफिस उनके घर पे भी हुआ है, उनके पार्टनर के भी हुआ है, तो इस तरीके की छापेमारी का जब तक कोई फलाफल नहीं निकल के आता फिलहाल कहना मुश्किल है। हाँ, ये थोड़ी सी परिस्थिति मुख्यमंत्री के लिए कठिन तो ज़रूर है, क्योंकि उनके प्रेस सलाहकार कहीं या फिर से ईडी पहुंच गई है, तो लिहाजा अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी जब तक ईडी की तरफ से नहीं आता कि क्या फाइंडिंग हुआ, क्या कुछ वहाँ मिला। तो ये सातवां समन आया हुआ है, एक अंतिम बात हम पूछेंगे, जो सातवां समन आया है और ईडी बता रहे हैं कि आखिरी समन है हेमंत सोरेन के लिए, तो क्या लगता है कि हेमंत सोरेन जी जो है इस्तीफा देंगे? नहीं नहीं, मुख्यमंत्री क्यों इस्तीफा देंगे, वो अभी ईडी की कार्रवाई है, मुख्यमंत्री ने लिखकर भेज दिया है उनको कि आप सिर्फ अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं, हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया ट्रायल कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ईडी के पास एक ही विकल्प है कि ईडी या तो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए और उनसे वारंट का प्रे करे कि अगर उनको मुख्यमंत्री को सचमुच अरेस्ट करना है ईडी को तो वो उनसे करेंगे, या फिर वो न्यायालय में जाकर ये कह सकते हैं कि देखिए हमको इस अमुख कांड में मुख्यमंत्री से बातचीत करनी है लेकिन साथ संबंध देने के बाद भी नहीं आए, तो आप ही न्यायालय से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि समय और तारीख का निर्धारण कर दीजिए इस तरीके। तो गांडे का जो विधायक इस्तीफा दिए हैं तो उसका क्या इशारा जाता है? गांडे का विधायक का इस्तीफा आप ये समझ लीजिए, शाम मोटे दर्शकों को यही समझ में आएगा कि कोई बस स्टैंड से बस खुली और आगे पता है कि बूटी मोड़ में एक आदमी चढ़ने वाला है, लिहाजा इसलिए सीट खाली करा के रखा गया। कल किसी भी परिस्थिति में अगर बरहेट सीट डिबार हो जाता है तो चुनाव आयोग वहां इलेक्शन नहीं कराएगी, क्योंकि उनके टेन्योर में आ जाएगा, तो लिहाजा उससे पहले का ये डिसीजन तैयार करके रखा गया है कि गांडे में तो चुनाव होगा ही होगा और वो जनरल सीट है, वहाँ से कोई भी लड़ सकता है। तो अगला अगर कोई भी उम्मीदवार होगा, अगर ऐसी नौबत आई तो वो आसानी से वहाँ से चुनाव लड़ सकता है, इसलिए वह सीट खाली करा। इसमें भी तो बहुत अटकलें आ रही है ना कि हेमंत सोरेन अपने जो निजी जो उसका परिजन है जो विधायक हैं उनके सीट क्यों नहीं खाली करवाएं? नहीं, जेएमएम के ही विधायक थे डॉक्टर सरफराज अहमद जी, उन्हीं का सीट खाली कराया गया है, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ वो जनरल सीट होते है भी, दूसरी बात वहाँ पे 90,000 से अधिक मुसलमान हैं, 35,000 से अधिक ट्राइबल हैं, तो एक और बाकी जो मिक्स है वो लगभग 1.5 लाख के हैं, तो एक अपर हैंड मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि हमेशा से सरकार मुसलमान को, अकलियतों को, ट्राइबल को अपना वोट बैंक मांगती रही है, तो वहाँ एज मिल जाएगा, इस वजह से वो सीट खाली कराया गया। जी शुक्रिया। तो जी जैसा कि आपने देखा पांडे जी द फॉलोअप के सीनियर पत्रकार ने जैसा बताया, इन्फॉर्मेशन दिए कि क्या कुछ हो सकता है कहना मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त जो तैयारी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो अपनी मजबूती के लिए कर रहे हैं,
आज जो विधायक दल का जो बैठक बुलाया गया है, ये बैठक इसलिए है ताकि मुख्यमंत्री जी पूरे सलाह लेंगे और वो अपने हैंड में सारा चीज करेंगे कि अगर हमें त्वरित अगर कोई डिसीजन लेना पड़े तो मैं कैसे लूंगा। तुरंत जो विधायक दल का बैठक बुलाना, तुरंत वहां से डिसीजन लेना, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है आज की जो बैठक का एक उम्मीद लगाया जा रहा है कि सभी विधायकों से मुख्यमंत्री जी जो है एक लिखित प्रमाण लेंगे, कुछ लेंगे और वो बोलेंगे कि अगर किसी तरह का अगर डिसीजन लेने का वक्त अगर आया तो मैं उस डिसीजन लेने में स्वतंत्र रहूंगा और अपना सीट और गठबंधन की सरकार कैसे बचे उसके लिए मैं स्वतंत्र रूप से डिसीजन ले सकूं। शायद इसलिए ये तैयारी और बैठक कही जा रही है, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि बैठक के बाद क्या बातें निकल के सामने आती है। तब तक बने रहिए आईना प्लस के साथ। जय हिंद, जोहार।